हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दल दल खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम की प्रॉपर्टी में मेरे बच्चों का कैसा शेयर? तुम यही सोच रहे होंगे कि अब तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। ये जानने के बाद कि मैं ही देखी, मैंने यश से शादी बदला लेने के लिए की। कमल मेरे डैडी और तुम्हारी माँ की बेटी है। पापा, आज के बाद तुम मुझे पापा मत कहना। मानव, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। बस यही समझ कर मिल रहा हूं कि हम आखिरी बार मिल रहे हैं। एक दूसरे को देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है। मैंने जानबूझकर तुम दोनों को यहां एक साथ बुलाया। पूछ सकता हूं क्यों? हमारी जिंदगी रिश्तों के धागे में उलझ गई थी, उसे सुलझाने के लिए हम तीनों का यहां मिलना बहुत जरूरी था। अनीता, ना तो मेरा मानव से कोई रिश्ता है, ना ही तुमसे, इसलिए मैं इस उलझन से भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जानती हूं कमल, लेकिन हमारे चाहने या ना चाहने से होनी का क्या वास्ता? होनी का ताना बाना तो कुदरत चलाती है। कुदरत किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करती अनीता, ये तो हम जैसे स्वार्थी लोग बड़ी आसानी से करनी को होनी पर डाल देते हैं। सच कहा मानव तुमने, ये तो मेरी ही करनी का फल था कि आज तक मैं कबल की पैदाइश पर उंगली उठाती आई, जबकि सच ये है कि मैं और कमल एक ही पैदाइश के दो हिस्से हैं। अब ये कौन सा नया खेल है अनीता? खेल मैं नहीं, खेल किस्मत खेल रही है हमारे साथ। What do you mean? मानव, तुम शायद जानते नहीं, कमल राणा बोस और मेरी डैडी की बेटी है। पैदाइश के अलावा कमल और मुझ में एक और बात समान है। कमल ने भी तुमसे प्यार किया और मैंने भी, फर्क सिर्फ इतना है कमल ने प्यार में देना सीखा और मैंने छीना। कमल प्यार में उठती गई और मैं गिरती गई। बहुत पहले एक कहावत सुनी थी, ऑलवेज राइज इन लव, नेवर फॉल इन लव। अब समझ में आया। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा अनीता। वैसे भी मैं तुम्हें किसी बात के लिए दोषी नहीं मानती। तुम दोनों कुछ भी कहो, तुम्हारी दोषी मैं ही हूं। तुम्हें और मानव को अलग मैंने ही किया है। अब इन सब बातों का वक्त नहीं रहा अनीता। रिश्तों के धागे की उलझन अब तुम्हारी माफी भी सुलझा नहीं सकती। अब तो ये धागे कई हिस्सों में बढ़ चुके हैं। मानव प्लीज ऐसा मत कहो। कमल, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है ना, प्लीज मुझे प्राश्चित करने का एक मौका दो।
तुम दोनों के बीच मैं आई थी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे से शादी कर लो प्लीज। तुम दोनों मान जाओ, मैं बाकी लोगों को मना लूंगी प्लीज प्लीज कमल, प्लीज मानव। चाहता है कि तुम्हारा ये जिंदगी जो बिखर गया है ना, वो फिर से जुड़ जाए। तुम, कमल, तुम्हारा बच्चा, सब एक साथ हो जाए। कमल मान चुकी है, अब तुम मान जाओ। क्या प्यार को नापने का पुत्री, मानव और कमल का शुभ मुहूर्त कब है शादी का? सोच रहे हो मानव? मानव, कमल के आंसुओं की बुनियाद पर जो रिश्ता मैंने तुमसे छोड़ा, आज तुमसे अलग होकर खत्म हो गया। इस बात का अफसोस नहीं है मुझे, लेकिन एक और ऐसा रिश्ता है जो इन सब बातों के बोझ के तले दब गया है। अगर वो रिश्ता खत्म हो गया तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा मुझे। कौन सा रिश्ता? दोस्ती का। क्या हम अभी दोस्त रह सकते? समझ सकती हूँ मैं। आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारी नाराजगी जायज है। नहीं अनीता, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं, बस इस वक्त मैं चुप रहना चाहता हूं। दूसरों के इशारे पर चलकर भी अपनी ही चुनी हुई मंजिल पर पहुंचना चाहता हूं। इस चल रहे कश्मकश से अकेले जूझना चाहता हूं। खुश तो है ना तू? हाँ चंदे, खुश भी हूँ और दुखी भी। खुशी इस बात की है कि अनीता को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन दुख इस बात का है कि उस बेचारी का घर टूट गया। हाँ, लेकिन अनीता के इस फैसले की वजह से हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिल गया। हाँ जयंती, जयंती तूने मेरी बहुत मदद की, हर कदम पे मेरा साथ दिया, अपना किया हुआ वादा निभाया तूने। आज वो कमल की तीनों माएं हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रही हैं। जानता हूं मैं। तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमने उसके साथ कुछ गलत किया है? हाँ बढ़िया, किया तो है, लेकिन इस पाप का बोझ मैं अपने सर लेना चाहता हूं। उनके चले जाने से कम तेरी बेटी कमल को उनके पहचान के चुंगल से छुटकारा तो मिल जाएगा।
हाँ उसे इस बात का दुख जरूर होगा, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं भाटिया, कमल को इस घर में इतना प्यार दूंगा कि वो भूल जाएगी कि उसकी जिंदगी में कभी रमा, शब्बो, रीटा नाम की कोई औरत थी जो उसकी मां थी। आप लोग यहां मैं लेकर आई हूं नया, ये लोग तो आने के लिए तैयार ही नहीं थे, जबरदस्ती लाना पड़ा मुझे। मेरी और मानव की कुंडलियां मिलाई जा रही हैं यहां, हमारी जिंदगी से संबंधित फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसे में इनका यहां होना भी तो बहुत जरूरी है ना। कमल बेटा, अच्छा हुआ जो तुम अपना मालक को यहाँ लेके आया, हम तो भूल ही गया था उनको बुलाने को। बेटा देखो हम क्या क्या तैयारी कर रहे हैं तुमको घर में लाने के लिए, वो सब चीज है ना, सब अरमान जो पिछली बार नहीं किया था ना, इस बार पूरा करेगा। हम इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, जरूरत है। एक दिन तुम्हारा अपमान करके इस घर की दहलीज से बाहर निकालने का जो पाप मैंने किया था, उस पाप का प्रायश्चित तभी हो सकता है जब मैं तुम्हें दोबारा पूरे मान सम्मान और रस्म रिवाज के साथ इस घर के दहलीज के अंदर फिर से ले आऊं, हमेशा हमेशा के लिए। इस घर से जिस कमल को निकाला गया था वो तो इन तीनों माओं की बेटी थी, और आज जिस कमल को आप वापस लाना चाह रहे हैं वो तो इनकी और इनकी बेटी है। क्या इनकी बेटी को इस घर में वापस लाने से आपका प्रायश्चित पूरा हो जाएगा? क्या फर्क पड़ता है बेटा इस बात का कि कल तक तुम किसकी बेटी थी, आज किसकी बेटी हो? अगर फर्क नहीं पड़ता है तो मेरी माओ को मेरी खुशी का वास्ता देकर इस शहर को छोड़ने पर मजबूर क्यों किया जा रहा था? आज से 22 साल पहले आप लोगों ने जो नाइंसाफी मेरे साथ की थी, आज दोबारा वही नाइंसाफी करने जा रहे थे। आज से 22 साल पहले अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप लोगों ने मुझे मेरे अपनों से दूर किया था। आज फिर आप लोग अपनी सहूलियत के लिए बड़े आराम से मुझे मेरे अपनों से दूर करना चाह रहे थे। बेटे कमल, आज तक तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफियां हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दो, अपने इस बेबस पिता को माफ कर दो। बेटे किस बात के लिए माफ कर दो? आप कभी समाज में मुझे बेटी का दर्जा नहीं दे पाएंगे इस बात के लिए? माफ कर दिया, मेरी रहना माने आपकी वजह से जो जो तकलीफ, जो जो दुख उठाया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। मत माफ करो बेटा, हम में से किसी को मत माफ करो, लेकिन हमारी गलती की सजा तुम अपने आप और मानव को क्यों दे रही हो? बेटा मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मानव के साथ तुम दोबारा गृहस्थी बसा लो। क्या गारंटी है कि मेरा और मानव का रिश्ता दोबारा जुड़ के टूटेगा नहीं? दिलों का मिलन तो सबसे ताकतवर होता है ना, जिस रिश्ते को दिलों का मिलन तक नहीं जोड़ के रख सका उसे कुंडलियों का मिलन कब तक जोड़ के रख पाएगा? कौन सी रस्में और कौन से रिवाजों की बात कर रहे हैं आप लोग? साथ फेरे तो मैंने और मानव ने पहले भी लिए थे, सात जन्मों तक संबंध निभाने की कसमें पहले भी खाई थी हमने, भी भगवान को साक्षी मानकर। जब भगवान को साक्षी मानकर खाई गई कसमें हम निभा नहीं पाए, आप लोगों के सामने खाई गई कसमें कैसे निभा पाएंगे? क्या गारंटी है इन सब बातों की?
रिश्तों की गहराई और सच्चाई मैंने अपनी तीनों माओं के प्यार में देखी, जो आज भी मेरी खुशी के लिए मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मेरी भोली भाली माए तो जानती नहीं कि वो जिनके हवाले छोड़कर मुझे जा रही थी, वो तो मुझे खुशी दे ही नहीं सकते। अगर दे सकते होते तो मुझसे मेरी माओ को दूर रखने की कोशिश नहीं करते। ये मेरे पिता आज अगर मुझे अपना भी लें तो दुनिया के सामने तो सच छुपा ही रहेगा ना, और कल जब मेरे बच्चे बड़े होकर मुझसे सच पूछेंगे तब मैं क्या करूंगी, तब कैसे छुपाऊंगी मैं सच। मेरी इस माँ ने भी मुझे सच्चा प्यार और सच्ची ममता दी। थोड़े ही समय में पूरी जिंदगी का प्यार मुझ पर न्यौछावर कर दिया। लेकिन अपनी इस माँ के घर पे भी मैं हर पल एक डर के साथ जीती रही कि कहीं किसी को हमारे रिश्ते की असलियत पता चल गई तो शाइना, समीर, सरीना इन तीनों की जिंदगी पर हमारे रिश्ते की असलियत बुरा असर डाल सकती है। एक बेटी होने के नाते अपनी माँ की इस मजबूरी का सामना तो मैंने खुशी से कर लिया, लेकिन खुद एक माँ होने के नाते अपने बच्चों को इस मजबूरी और डर के सामने कैसे खड़ा कर दूँ? मेरे बच्चों को बिना किसी मजबूरी और डर के अगर कोई सच्चा प्यार और अपनापन दे सकता है तो वो सिर्फ मेरी ये तीनों माएँ हैं। मेरे बच्चे सिर्फ इनकी आंचल के साए में खुलकर सांस ले सकते हैं। कमल बेटा, तुम्हारा बात में पूरा सच्चाई है, किंतु सच तो ये भी है ना कि तुम्हार मानव एक दूसरे को प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। तुम दोनों कितना भी छुपा लो किंतु हम अपना मानव की आंख में देख सकता है और तुम्हारा भी आंख में देख सकता है कि तुम एक दूसरे को बहुत प्यार करता है। अभी भी रिश्ता टूटने के बाद भी तुम दोनों एक दूसरे को अपना अपना दिल से भुला नहीं पाया है, तो फिर इस टूटा हुआ रिश्ता को दोबारा जोड़ने से इनकार क्यों? कुछ भी डिसीजन लेने के पहले ये सोच लेना कि अगर तुम चला गया तो मानो भी हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा यहाँ से। कुछ भी फैसला के पहले मानव के बारे में सोचो बेटा, जिसको तुम अब भी बहुत प्यार करता है। सोचा था मम्मी जी, फैसला लेने से पहले बार बार मानव के बारे में सोचा था, लेकिन मेरी हर सोच ने मुझे मानव से रिश्ता दोबारा जोड़ने के लिए मना किया। हमें प्यार का रिश्ता एक नाजुक कांच की तरह होता है, जो एक बार टूटने पर अगर दोबारा जोड़ा जाए उसमें दरार तो रह ही जाती है, जो कभी नहीं भर पाती। एक खालीपन सा हमेशा रहता है, और इस खालीपन के साथ ना तो मैं जी सकती हूं और ना मानव। एक मिनट कमल, मैंने यह आवाज तुम्हें रोकने के लिए नहीं दी है कमल, बल्कि इस आवाज के जरिए मैं अपने दिल का दर्द और अपने पछतावे की तड़प तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे तो पहले से पता था कि मेरी स्वाभिमानी कमल मेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी। मैं चुप था क्योंकि मैं ये बात इन सब लोगों के सामने साबित करना चाहता था। मां,
आपने अपने बेटे को सही पहचाना। मैं आज भी कमल से प्यार करता हूं, बेहद प्यार करता हूं, और यह भी जानता हूं कि कमल भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। लेकिन मैं उसे रोकूंगा नहीं, बल्कि मैं खुद कमल से, अपने बच्चों से और आप सबसे हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा। मेरी आत्मा, मेरे दिल और मेरे वजूद ने कमल के साथ एक ही वादा किया था कि उसका साथ मैं हमेशा निभाऊंगा। और जिस दिन मैंने ये वादा तोड़ दिया, उस दिन मैंने अपनी आत्मा, अपने दिल और अपने वजूद का कत्ल कर दिया। उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी कि आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। अपनी इस बदकिस्मती को मैं अकेले सहूंगा, और अगर कभी तड़प हद से ज्यादा बढ़ गई तो अपनी खुशकिस्मती के वो थोड़े से दिन याद करूंगा जो मेरे कमल के साथ बिताए थे। उन थोड़े से दिनों ने मेरे पूरे जीवन पर एक छाप छोड़ी है। तुम जाओ कमल, मुझे हमेशा इस बात की खुशी रहेगी और गर्व भी रहेगा कि मेरे बच्चे तुम्हारे जैसी स्वाभिमानी और सच्ची औरत के साए में पलेंगे। और मुझे पूरा यकीन है ये मां अपने बच्चों को भी अपने जैसा ही बनाएगी। सच कमल, तुम कमल के फूल की तरह सच्ची और पवित्र। I'm proud of you। और मुझे तुम्हारे फैसले पर भी फक्र है। गुड लक कमल। गुड लक मानव। Thank you.